नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है प्राचीन ज्ञान YouTube चैनल पर। दोस्तों, दीपावली रोशनी का त्योहार है। यह हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। हर किसी को इस महापर्व का साल भर इंतजार रहता है। दीपोत्सव का यह पर्व पूरे 5 दिनों तक चलता है, जिसकी शुरुआत धनतेरस से होती है। धनतेरस का पर्व छोटी दिवाली से एक दिन पहले मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार धनतेरस का पर्व कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन मनाया जाता है। इस दिन धनवंतरी देव, लक्ष्मी जी और कुबेर महाराज की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही किसी भी वस्तु की खरीदारी के लिए यह दिन उत्तम माना जाता है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन खरीदी गई चल अचल संपत्ति में 13 गुना वृद्धि होती है। यही वजह है कि लोग इस दिन बर्तनों की खरीदारी के अलावा सोने चांदी की चीजें भी खरीदते हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं इस साल धनतेरस कब है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस मनाई जाती है। इस साल यह तिथि 10 नवंबर को दोपहर 12:35 से शुरू हो रही है। इस तिथि का समापन अगले दिन 11 नवंबर की दोपहर 1:57 पर होगा। धनतेरस के दिन पूजा प्रदोष काल में होती है, इसलिए धनतेरस 10 नवंबर को मनाई जाएगी। धनतेरस को धनत्रयोदशी भी कहा जाता है और यह हिंदू धर्म को मनने वाले लोगों के लिए एक शुभ अवसर है, जो धन और समृद्धि के त्योहार से संबंधित है। धनतेरस 5 दिवसीय दीपावली त्योहार की शुरुआत का पहला दिन है। धनतेरस का दिन लोगों के लिए पूजा करने और वित्तीय समृद्धि के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दिन होता है। इसके साथ ही लोग माता लक्ष्मी, भगवान गणेश और भगवान कुबेर की पूजा करते हैं और दिए जलाते हैं। लोग इस दिन को अच्छे भाग्य के प्रतीक मानकर सोने या चांदी की वस्तुएं खरीदते हैं। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार धनतेरस 2023 पर ग्रहों की स्थिति, दीर्घकालिक फाइनेंस स्कीम और संपत्ति की खरीद के लिए अनुकूल है। धनतेरस पर सोना चांदी के अलावा कुछ और भी चीजें हैं जिनको खरीदना शुभ माना जाता है। मान्यता के अनुसार धनतेरस पर इन वस्तुओं की खरीदारी करने से आपके घर में पूरे साल बरकत रहती है और आपको आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। आइए जानते हैं क्या है ये चीजें। दोस्तों, पान के पत्ते मां लक्ष्मी को विशेष रूप से प्रिय माने जाते हैं, इसलिए धनतेरस के दिन पान के 5 पत्ते जरूर खरीद कर लाए। पान के पत्ते लेकर मां लक्ष्मी को चढ़ाएं और अगले दिन इन पत्तों को दीपावली का त्योहार पूरा हो जाने के बाद आप बहते जल में प्रवाहित कर सकते हैं। भगवान धनवंतरी की धातु पीतल मानी गई है, इसलिए धनतेरस के दिन पीतल के बर्तन खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। पीतल के अलावा धनतेरस के दिन सोने, चांदी, तांबे आदि का सामान और बर्तन खरीद सकते हैं। इन धातुओं की चीजें बहुत शुभ मानी जाती है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन ये चीजें घर में लाने से मां लक्ष्मी और धनवंतरी भगवान की कृपा से आरोग्यता और समृद्धि आती है। धनतेरस के दिन लोहा खरीदना शुभ नहीं माना जाता है। मान्यता है कि धनतेरस पर कोई भी लोहे की नुकीली चीज भूलकर भी नहीं खरीदनी चाहिए, इससे आपको हानि हो सकती है। साथ ही धनतेरस पर एल्यूमिनियम की चीजें खरीदने से भी बचना चाहिए। धनतेरस के दिन शीशा या शीशे की बनी हुई चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। इस दिन शीशा खरीदने से आपको नुकसान हो सकता है और घर की बरकत रुक सकती है। इस दिन सोने के आभूषण खरीदने की परंपरा भी है। सोना भी लक्ष्मी और बृहस्पति का प्रतीक है, इसलिए सोना खरीदें। इस दिन चांदी खरीदने का प्रचलन भी है। कुछ लोग चांदी के सिक्के खरीदते हैं। इन सिक्कों पर माता लक्ष्मी और कुबेर की आकृति बनी होती है। इस दिन पुराने बर्तनों को बदलकर यथाशक्ति तांबे, पीतल, चांदी के गृह उपयोगी नवीन बर्तन खरीदते हैं। पीतल के बर्तन लक्ष्मी और बृहस्पति के प्रतीक है, अतः इस दिन सोना नहीं खरीद पा रहे हैं तो पीतल के बर्तन जरूर खरीदें। इस दिन जहां ग्रामीण क्षेत्रों में धनिये के नए बीज खरीदते हैं, वहीं शहरी क्षेत्र में पूजा के लिए साबुत धनिया खरीदते हैं। इस दिन सूखे धनिया के बीज को पीसकर गुड़ के साथ मिलाकर एक मिश्रण बनाकर नैवेद्य तैयार करते हैं। धनतेरस पर धनिया खरीद कर जरूर लाने चाहिए। मां लक्ष्मी को धनिया अर्पित करें और थोड़ा सा धनिया अपने धन के स्थान पर भी छिड़क दें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा सदैव के लिए प्राप्त होगी। धनिये को खुशहाली का प्रतीक भी माना जाता है। ध्यान रखें कि इस धनिये का प्रयोग खाने में नहीं करना चाहिए। दीपावली के बाद इस धनिये को चाहे तो गाय को खिला सकते हैं। दोस्तों, कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र रखना बेहद ही शुभ माना जाता है।
आपके धन के देवता कुबेर और देवी लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए धनतेरस के दिन कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र को खरीद सकते हैं। दीपावली के दिन इन यंत्रों की विधि विधान से पूजा करके पीले रंग में बांध कर घर की तिजोरी में रख दें। इससे भगवान कुबेर और मां लक्ष्मी जी बेहद प्रसन्न होती हैं। दिवाली प्रकाश का त्योहार है। इस दिन यानी दीपक जलाकर भगवान श्री राम का स्वागत किया जाता है। साथ ही धनतेरस का पर्व इसलिए भी खास है क्योंकि यह एकमात्र पर्व है जिसमें यमराज देवता की पूजा होती है और घर के बाहर यमदीप प्रज्वलित किया जाता है। आप इस दिन दीपक खरीदकर यमदेव को प्रसन्न करने के लिए यमदीपक अवश्य जलाएं। और दोस्तों, इस दिन अपनी क्षमता अनुसार 11, 21, 51 या 101 दीपक खरीद कर लाना बहुत ही शुभ माना गया है। धनतेरस के दिन लक्ष्मीचरण घर में लाना बहुत शुभ माना जाता है। लक्ष्मीचरण इस दिन घर में लाना माँ लक्ष्मी का आह्वान माना जाता है और इस दिन घर में माँ लक्ष्मी के चरणों को घर में लाना उन्हें अपने घर में निमंत्रण देने के समतुल्य है। धनतेरस पर लक्ष्मी जी के दो चरण घर में लाने चाहिए। एक चरण मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ आते हुए लगाने चाहिए और दूसरे चरण पूजा के स्थान में अंदर आते हुए लगाने चाहिए। इस दिन दीपावली पूजन हेतु लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति या चित्र खरीदते हैं और इसी दिन धनवंतरी की पूजा हेतु उनकी मूर्ति या चित्र भी खरीदते हैं। धनतेरस के शुभ अवसर पर आपको अपने घर में धन की देवी मां लक्ष्मी और शुभ लाभ के देवता गणेश जी की मूर्ति अवश्य लानी चाहिए। याद रखें कि यह प्रतिमा मिट्टी की बनी होनी चाहिए ताकि इन्हें अगले साल विसर्जित करके उसके स्थान पर नई प्रतिमा ला सके। इस दिन गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा लाने से आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इस दिन पूजा की सामग्री के साथ ही खील बताशे आदि भी खरीदे जाते हैं। यह घर में खुशियां लाती है। दीपावली के अवसर पर नए चावल की फसल तैयार हो जाती है और इसी धान से खीर तैयार की जाती है। इसलिए धनतेरस के दिन खील बताशे अपने घर में जरूर लाने चाहिए। ध्यान रखें कि हमेशा नए खील बताशे ही लाने चाहिए। पुराने रखे खील बताशे नहीं चढ़ाना चाहिए। नए खील बताशे धनतेरस पर घर में लाने से पूरे साल आपके घर में धन और धान्य की कमी नहीं होती है। दोस्तों, नमक सबसे आसानी से मिलने वाली चीजों में से एक है। नमक को भी खरीदने से आपके घर में सुख समृद्धि का आगमन होगा और यदि आप आभूषण खरीदने की योजना बना रहे हैं तो धनतेरस इसके लिए सबसे शुभ दिन है। मान्यता है कि इस दिन खरीदी जाने वाली चीजों में कई गुना वृद्धि होती है, इसलिए इस दिन को कीमती वस्तुओं की खरीदारी के लिए काफी शुभ माना जाता है। आप भी अपनी क्षमता के अनुसार इस दिन सोने चांदी के आभूषण खरीद सकते हैं। इस दिन झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसे वर्ष भर के लिए घर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है। धनतेरस पर झाड़ू घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, इसलिए इस दिन झाड़ू घर में जरूर लानी चाहिए। जिस प्रकार झाड़ू हमारे घर को साफ करती है, उसी प्रकार से मां लक्ष्मी हमारे मन के मैल को साफ करके उसे अच्छे विचारों से भर देती है। दोस्तों, दीपावली की रात यह एक काम अवश्य करें। राधा कृष्ण के ओनर भी दीपावली की रात यह काम जरूर करते हैं। इससे पूरे साल घर में धन बचेगा। साथ ही साथ यह भी जानिए, लक्ष्मी पूजन में माता रानी को तीन चीजें कभी अर्पित मत करना, इससे माता रानी क्रोधित हो जाती है। ऐसे में अगर आपको दीपावली की रात यह एक चीज अगर दिखाई दे जाए तो समझो माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न है। दीपावली पर झाड़ू की पूजा कैसे करें और झाड़ू कहां छुपाएं जानिए, सब कुछ इस वीडियो में। दोस्तों, धर्म शास्त्रों के अनुसार दीपावली का पर्व बहुत ही शुभ और अत्यंत दुर्लभ एवं मंगलकारी और धन संपदा प्राप्त करने वाला महापर्व और धन वैभव कीर्ति यश प्राप्त करने वाला माह विशेष उत्सव माना जाता है। हिंदी पंचांग के अनुसार दीपावली का पर्व 12 नवंबर को कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाया जाएगा। इस दिन माता लक्ष्मी तथा गणेश भगवान और माता सरस्वती की पूजा की जाती है ताकि हमारे जीवन में बुरे प्रभाव न पड़े और सदैव हमारा घर धन धान्य से भरा रहे। ऐसे में दीपावली की पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम 5:40 से लेकर 7:36 तक लक्ष्मी गणेश की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। शुभ मुहूर्त में जो व्यक्ति पूजा पाठ करता है तो उसके घर पर सदैव के लिए माता लक्ष्मी का वास हो जाता है।
इसीलिए शुभ मुहूर्त पर ही पूजा पाठ करें और आप भी मुहूर्त पर पूजा पाठ करें। बड़ा आनंद और सुखदायक होता है। दोस्तों, माता लक्ष्मी हमारे जीवन के सभी कष्टों को दूर करती है, हमारे घर में धन की वर्षा करती है। इसीलिए सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में माँ को अवश्य याद करें। कमेंट बॉक्स में लिखें माता लक्ष्मी और माता रानी के लिए एक लायक अवश्य करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस बेल आइकन को दबाना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। यदि आपकी राशि के अनुसार हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट का रिप्लाई में बता देंगे। प्राचीन ज्ञान आपको हर जानकारी देगा जो दुनिया के किसी भी कोने में नहीं मिलेगी। यह शास्त्र आधार पर जानकारी है। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं माता रानी को ऐसा क्या नहीं चढ़ाना चाहिए जिससे मान नाराज ना हो। देखिए, एक बार हमने गलती से माता रानी को यह चीज चढ़ा दी थी, तब हमें माता के क्रोध का सामना करना पड़ा था। इसीलिए दीपावली पर आप ऐसी गलती मत करना। शास्त्रों के अनुसार माता लक्ष्मी बहुत ही चंचल स्वभाव की है। माता रानी को प्रसन्न करना इतना आसान नहीं होता, और जो व्यक्ति माता रानी को प्रसन्न कर लेते हैं तो वह व्यक्ति अचल संपत्ति के मालिक बन जाते हैं। उसके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बड़ी जोरों शोरों से बरसती है, कई पीढ़ियों से जो गरीबी भोग रहे होते हैं। यदि माता लक्ष्मी दीपावली पर प्रसन्न हो जाए तो 7 जन्मों तक की गरीबी मिट जाती है, धन वैभव से घर भर जाता है, उत्तम जीवन साथी तथा धन संपदा के साथ यश कीर्ति वैभव सौभाग्यशाली जीवन, सभी कष्टों से राहत, बीमारियों से राहत मात्र लक्ष्मी पूजन से समाप्त हो जाती है, लक्ष्मी मंत्र से समाप्त हो जाती है। जो व्यक्ति खास तौर पर दीपावली पर माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेता है वह व्यक्ति कुछ ही समय में धनी हो जाता है तथा राजा बन जाता है। माँ लक्ष्मी उसी घर में वास करती है जहाँ पर सच्चे हृदय से माँ की भक्ति हो। आपको बता दें, साल भर के इस त्योहार में माता लक्ष्मी की पूजा में ये 3 चीजें माता रानी को कभी मत चढ़ाना, नहीं तो आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। जो हमने गलती की वह आप मत करना, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है और हमेशा हमेशा के लिए आपका साथ छोड़ सकती है। एक बार माता लक्ष्मी ने हमारा साथ छोड़ दिया था क्योंकि हमने गलती से माता लक्ष्मी को यह चीज चढ़ा दी थी। तब बड़ी श्रद्धा पूजा पाठ करने के बाद माता लक्ष्मी को हमने मनाया, प्रसन्न किया और आज हम करोड़पति हैं, धनवान है। माता लक्ष्मी सदैव हमारे घर में वास करती है। जय माता लक्ष्मी। माँ बड़ी प्यारी है, चंचल है, अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। तो चलिए प्राचीन ज्ञान धर्म ग्रंथों के आधार पर, शास्त्र आधार पर यह जानकारी शुरू करते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया जाता है कि दीपावली के पर्व पर या किसी भी धार्मिक त्योहार में कर्ज लेकर दीपावली का पर्व नहीं मनाना चाहिए। जो व्यक्ति कर्ज लेकर दीपावली का पर्व मनाता है उसके घर में हमेशा कर्ज का वास हो जाता है, वह व्यक्ति माता लक्ष्मी की कृपा से वंचित हो जाता है। भले ही आपके पास कम धन हो परंतु सच्चे दिल से मां की भक्ति करें। माता रानी आपके सभी बिगड़े कार्य को अवश्य पूरा करेंगे। इसीलिए कर्ज लेकर भगवान की पूजा नहीं की जाती है, जो कि इस बात को शनि महाराज ने भी कई बार दोहराया है। इसीलिए पूजा पाठ में कर्ज ना लें। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आप धार्मिक कार्य को टाल सकते हैं, क्योंकि इस दिन कर्ज लेने वाला और कर्ज देने वाला दोनों माता लक्ष्मी के क्रोध का भागी बनते हैं। दोस्तों, इस दिन राहु केतु अपनी चरम सीमा पर होते हैं। जो लोग कर्ज लेते हैं, कर्ज देते हैं, राहु केतु उनके जीवन में आकर उल्टा उन्हें कंगाल, बर्बाद, नष्ट तथा घर में दरिद्रता आवास बना देते हैं, और ऐसे घर से माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। आप माता लक्ष्मी को दीपावली पर एक मिश्री का टुकड़ा भी अर्पित करके पूजा पाठ कर सकते हैं। यदि आपके पास धन नहीं है तब भी माता लक्ष्मी उतना ही प्रसन्न होती हैं और आपके जीवन में धन और धनवान पूर्ण रूप से आपको यश कीर्ति प्रदान करती है। माता को छल कपट द्वारा धन प्राप्त करने पर तथा उन पैसों से पूजा करने पर माता प्रसन्न नहीं होती, उल्टा माता रानी अत्यंत रूप से क्रोधित हो जाती है। इसीलिए हम तो कहते हैं कि ऐसा ना करें तो ज्यादा ही अच्छा होगा। हमने जो गलती की कम से कम आप वह गलती ना करें। ये गलती प्राचीन ज्ञान चैनल कर चुका है, इसीलिए हम चाहते हैं माता लक्ष्मी की कृपा आपको उचित मार्ग करने के बाद ही प्राप्त हो। दोस्तों, जब आप लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लेकर आए तो हमेशा याद रखें,
उनके साथ सरस्वती माता की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए। मूर्ति बाजार से खरीदते समय ध्यान से देख लें, टूटी हुई तथा छठ की मूर्ति नहीं होनी चाहिए। खंडित मूर्ति की पूजा नहीं की जाती, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो सकती है। साल भर का त्योहार बार बार नहीं आता, इसीलिए मूर्ति सही ढंग से देख लें। दीपावली पर पूजा की चौकी लाल कपड़े से बिछानी चाहिए। सफेद कपड़ा तथा काला कपड़ा या नीला कपड़ा नहीं बिछाना चाहिए। लाल रंग सर्वश्रेष्ठ और माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति लक्ष्मी पूजन में लाल कपड़े का आसान बिछाकर लक्ष्मी पूजन करेगा, उसके घर में धन वैभव, यश कीर्ति, उत्तम फलाहार रूप में उसका घर अन्न धन से भरा रहता है। घर में सुख समृद्धि की कोई भी कमी नहीं रहती। इससे लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होकर इस आसन पर विराजमान होती है और प्रसन्न होती हैं। प्राचीन ज्ञान YouTube चैनल आपको बारी बारी जानकारी बताएगा। वीडियो में अंत तक बने रहना और एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, माता लक्ष्मी की पूजा में हरा वाला नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए। इस समय आपको जटा वाला नारियल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि नारियल माता लक्ष्मी का प्रतीक है। दीपावली पर नारियल घर में अवश्य लाना चाहिए, इससे साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन होता है। माता रानी को फलों में नाशपाती नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे पाप लगता है। नाशपाती यानी नाश करने वाला, इसीलिए शुभ समय पर नाशपाती नहीं चढ़ाना चाहिए। माता रानी के पूजन में अक्षत यानी चावल का बहुत महत्व माना गया है। दीपावली पर चावल माता रानी को अवश्य अर्पित करने चाहिए। टूटे हुए चावल नहीं होने चाहिए, इससे माता रानी नाराज हो जाती है। दीपावली पर घर के चावल कभी किसी को मत देना, इससे माता लक्ष्मी आपका घर छोड़ सकती है, क्योंकि चावल माता लक्ष्मी का प्रतीक है। इस समय माता लक्ष्मी घर पर आती है, जाती नहीं है। प्राचीन ज्ञान चैनल पर आए हैं तो आपको सच्चा ज्ञान प्राप्त होगा। लिखित आधार पर यहाँ झूठा ध्यान नहीं दिया जाता है। दोस्तों, हमेशा याद रखें, दीपावली के पूजन में माता लक्ष्मी को तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए, क्योंकि इस समय लक्ष्मी गणेश तथा माता सरस्वती की पूजा की जाती है। इसीलिए दीपावली के पूजन में तुलसी अर्पित नहीं करनी चाहिए। दीपावली पर लहसुन प्याज का खाना नहीं बनाना चाहिए। इस समय हलवा, खीर, पूड़ी आदि बनानी चाहिए, क्योंकि यह खाना माता को भोग लगता है। इसीलिए इस दिन मांस, मदिरा, लहसुन प्याज का खाना घर में नहीं लाना चाहिए। ऐसे शुभ मुहूर्त पर अशुभ कार्य न करें। दोस्तों, देखिए, शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है तथा माता संतोषी को भी समर्पित होता है। दीपावली शुक्रवार के दिन पर आए तो अत्यंत दुर्लभ और शुभ और अत्यंत मंगलकारी माना जाता है। लेकिन यदि शुक्रवार को आप खट्टा खा लेते हैं, पानी पूरी खा लेते हैं, इमली की चटनी, नींबू खा लेते हैं, तो इससे माता संतोषी क्रोधित हो जाती है। जब दीपावली शुक्रवार की पर आए तो इस दिन माता संतोषी जागृत हो जाती है। इसीलिए इस दिन इमली, पानी पूरी, नींबू आदि नहीं खाना चाहिए। कम से कम थोड़ा माता संतोषी का मान सम्मान अवश्य बढ़ाएं। इससे धन की देवी माता लक्ष्मी और अत्यंत रूप से प्रसन्न हो जाती है और आपको धन और धनवान रूप से आपके घर में वास बना लेती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि दीपावली के दिन एक स्त्री को लाल, गुलाबी तथा पीला रंग या भगवा रंग के कपड़े ही पहनने चाहिए। लक्ष्मी पूजन में सुहागिन महिला को सफेद रंग नहीं पहनना चाहिए। यह रंग विधवा रूप माना गया है तथा काला रंग भी पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए, इसे शुभ नहीं माना जाता। काला रंग शनि का प्रतीक होता है। माता लक्ष्मी को लाल कपड़े अति प्रिय हैं। लाल रंग माता रानी को बहुत ही अच्छा लगता है, इसीलिए माता रानी का प्रिय वाहन कमल पुष्प है। दीपावली पर सुहागन महिलाओं को अपनी मांग में भरपूर मात्रा में सिंदूर भरना चाहिए। पैरों में पायल तथा श्रृंगार आदि होना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है और आपको धन धान्य से मालामाल कर देती है। माता लक्ष्मी कहती हैं, जो मेरे लिए इतना श्रृंगार आदि कर सकती है तो उसके प्रति मेरे लिए भक्ति कितनी होगी। माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। माँ दिल से ऐसी स्त्री को आशीर्वाद अपना सदैव देती है, अखंड सौभाग्यवती का वरदान देती है। दोस्तों, साथ ही साथ लक्ष्मी पूजन में पूजा करते समय अंगड़ाई आदि नहीं लेनी चाहिए, जमाई नहीं लेनी चाहिए। अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो आप लक्ष्मी पूजन किसी और से करवा ले। मासिक धर्म के दौरान लक्ष्मी पूजन नहीं करना चाहिए, घोर पाप लगता है। आप ऐसे समय में पूजा में बैठ सकते हैं, परंतु माता की मूर्ति स्पर्श न करें।
ऐसे समय में आप पूजा पाठ किसी और से करवा सकते हैं। दीपावली के दिन आप दीप जला सकते हैं, परंतु माता की मूर्ति को स्पर्श न करें। इस दिन नीले कपड़े पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए, शुभ नहीं माना जाता। नीले वस्त्र उनकी बहन अलक्ष्मी धारण करती है। अगर आप ऐसा करोगे तो अलक्ष्मी का आपके घर में वास हो जाएगा। लाल कपड़े बहुत खूबसूरत है और माता लक्ष्मी आकर्षित होती है। दोस्तों, लक्ष्मी पूजन में इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, चांदी का सिक्का या सोने का सिक्का आदि रखकर पूजा संपन्न होती है। अगर आपके पास चांदी का सिक्का तथा सोने का सिक्का नहीं है तो आप एक रुपये का सिक्का रख सकते हैं। हमेशा याद रखें, माता लक्ष्मी की पूजा में धन अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि इसके बगैर पूजा अधूरी मानी गई है, क्योंकि ये धन की देवी है। देखिए, आपके पास चाहे 58-54 हो, 10 रुपये ही क्यों ना हो, लक्ष्मी पूजन में अवश्य रखें। खाली पूजा कभी मत करना, क्योंकि यह धन की देवी है। माता लक्ष्मी आपसे कुछ भी ऐसी बड़ी चीज उपहार में नहीं मांगती। दोस्तों, माता लक्ष्मी को और क्या क्या अर्पित करना चाहिए, आइए जानते हैं। माना जाता है कि दीपावली के दिन माता को कमल का फूल अवश्य अर्पित करना चाहिए, क्योंकि कमल के फूल पर बैठकर ही माता प्रकट हुई थी। कमल का फूल माता का वाहन है, इसीलिए दीपावली पर माता को कमल का फूल तथा गुलाब का फूल जरूर अर्पित करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। माता को कमल का फूल अति प्रिय है। दीपावली पर भगवान गणेश को दूर्वा घास अवश्य अर्पित करनी चाहिए, इससे व्यक्ति का भाग्य चमक जाता है। भगवान गणेश अति प्रसन्न होते हैं। याद रखें, सूखे और मुरझाए फूल माता रानी को अर्पित नहीं करने चाहिए, शुभ नहीं माना जाता है। जो लोग पूजा पाठ में सूखकर फूल देवी देवताओं को अर्पित करते हैं, वह व्यक्ति नरक में चला जाता है, क्योंकि ऐसे फूल झूठी थाली छोड़ने के बराबर माने जाते हैं। दोस्तों, इस दिन 5 रंग के फल तथा 5 रंग की मिठाइयां अवश्य होनी चाहिए। अगर आपके पास 5 रंग के फल तथा मिठाइयां नहीं है तो आप माता को बताशे भी चढ़ा सकते हैं। आप अपने मन के अनुसार सच्ची श्रद्धा से ईश्वर को भोग लगा सकते हैं। सच्चे दिल से माता को आप जो भी अर्पित करेंगे वह कई गुना फलीभूत होता है। माता लक्ष्मी को सच्ची भक्ति से बड़ा लगाव है। अगर आपकी सच्ची भक्ति नहीं है तो आपके करोड़ों रुपए भी बेकार हैं। माता को सच्ची श्रद्धा के साथ कुछ भी आप अर्पित करेंगे तो माता रानी बहुत खुश होती है और सदैव उसी घर में वास करती है। दोस्तों, लक्ष्मी पूजन में दीपक दाएं ओर होना चाहिए और उसमें जलने वाली जोत लाल होनी चाहिए तथा धूप बाईं ओर रखें, बहुत ही शुभ माना जाता है। शास्त्र अनुसार माना जाता है कि दीपावली के दिन माता को सफेद फूल नहीं चढ़ाने चाहिए, इससे माता रानी नाराज हो जाती है, क्योंकि सफेद रंग बेरंग होता है। देवी लक्ष्मी सुहागन है, उनका सुहाग अजर अमर है, इसीलिए माता को लाल रंग बहुत ही प्रिय है। सफेद फूल और सफेद कपड़ा माता को कभी अर्पित नहीं करना चाहिए, पाप लगता है, ऐसी पूजा भंग हो जाती है। दोस्तों, अगरबत्ती दीपावली पर माता लक्ष्मी की पूजा में इस्तेमाल भूलकर भी मत करना, नहीं तो भगवान कृष्ण क्रोधित हो जाएंगे। अगरबत्ती बांस से बनती है और बांस में साक्षात भगवान कृष्ण का वास होता है। कृष्ण यानी श्री हरि, श्री हरि यानी माता लक्ष्मी उनकी अर्धांगिनी है, इसीलिए लक्ष्मी पूजन में अगरबत्ती इस्तेमाल गलती से भी मत करना। माता लक्ष्मी भयंकर रूप से क्रोधित हो जाएंगी और उल्टा आपको बर्बाद कर देंगे। दोस्तों, प्राचीन ज्ञान के अनुसार हमारे वेदों में बताया जाता है कि लक्ष्मी पूजन में विष्णु जी का ध्यान अवश्य कर लें। इसके बगैर दीपावली की पूजा अधूरी मानी जाती है, क्योंकि माता रानी विष्णु भगवान के बगैर किसी भी पूजा पाठ में शामिल नहीं होती, इसीलिए दीपावली पर पूजा में विष्णु भगवान का ध्यान अवश्य कर लें। इससे माता रानी की कृपा सदैव आप पर बरसेगी। शास्त्रों के अनुसार जरा आप ही सोचिए, अगर आपके पति के बगैर आपको कोई सम्मान देगा तो क्या आप उस सम्मान को स्वीकार करोगे? इसीलिए ऐसी पूजा व्यर्थ हो जाती है। इसी कारण भगवान विष्णु के बगैर उनका नाम जपे दीपावली की पूजा अधूरी है। उनका नाम या स्मरण अवश्य कर लें। दोस्तों, दीपावली पर पूजा करते समय चूहा अगर आ जाए, छिपकली आदि आ जाए या आपके घर पर उल्लू आ जाए तो समझो साक्षात आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन हो चुका है। माता रानी आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है, अब आप धनी होने वाले हैं, क्योंकि उल्लू माता लक्ष्मी का वाहन है और मुसकराज भगवान गणेश का वाहन है। ऐसे में छिपकली माता लक्ष्मी का प्रतीक है।
दीपावली पर घर में बिल्ली का आना बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। इसे साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन माना गया है। दीपावली के दिन अचानक से लंबी लंबी लाइन बनाकर चींटियों का चलना तथा गोलाकार में चींटियों का घूमना बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। इसे साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद माना गया है। इससे यह पता चलता है कि अब आपके घर में धन आने वाला है, आपके घर में पैसा आने वाला है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। धन्यवाद।